विघ्नहर्ता मंगलकर्ता श्री गणेश जी का आविर्भाव दिवस देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में सजावट हुई, मंदिरों में आरतियां हुई और कई मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन हुए, तो कई मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के बावजूद भी वहां पर दर्शनों पर पाबंदी लगी रही। पंडाल कहीं सजे तो कहीं पंडाल को स्थगित किए। किसने क्या कहा, गणपति जी के लिए और इनकी महिमा के लिए, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। चतुर्थी के अवसर पर हम आपको दर्शन करा रहे हैं जिलों की नगरी उदयपुर के बोरा गणेश मंदिर के। इस गणेश मंदिर की विशेषता यह है कि ये धन देने वाले गणपति हैं और जो भी मनोकामना करता है उनकी मनोकामना को भगवान गणेश जी पूरा करते हैं, ऐसी मान्यता है। बच्चों ने घर पर ही गणपति बनाए, किसने क्या कहा, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। आज गणेश चतुर्थी है और झीलों की नगरी उदयपुर के बोरा गणेश जी मंदिर के सामने हम खड़े हैं और यहाँ पर जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन के तहत भक्त लोग आ रहे हैं और वो मंदिर में प्रवेश तो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन बाहर से ही बड़ी स्क्रीन पर वो दर्शन कर रहे हैं, और जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी भक्त आ रहे हैं यहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और दर्शन कर रहे हैं, और जो पुजारी जी हैं वो भी यहाँ पर बड़ी स्क्रीन के सामने ही खड़े हुए हैं। जो भी भक्त आ रहे हैं उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वो निज मंदिर के बाहर ही दर्शन कर रहे हों। यहाँ पर भी भक्तों की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में दर्शन की व्यवस्था की गई है। पुजारी जी हैं हमारे साथ में, आप बताएं क्या कहना है आपका। हम तो यही कहना चाहते हैं कोरोना महामारी से बचें, हाँ, जब तक हो सके घर से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। और क्या व्यवस्था, नई व्यवस्था की है आपने? नई व्यवस्था यहाँ दोनों गेट पे हमने LCD लगवाई है, भक्तों के दर्शन के लिए लाइव दर्शन चल रहे हैं। हाँ हाँ। और पधारो तो बलि दर्शन करके पधारो। हाँ हाँ हाँ। बस यही व्यवस्था करवाई है गणपति की कृपा से। जो भी आए गणेश जी के दर्शन करके जाए, उन्हें ऐसा नहीं लगे कि उन्हें दर्शन नहीं हुए हैं। जो भी भक्त यहाँ पे आ रहे हैं, ऑनलाइन जो TV स्क्रीन लगी हुई है उस पे दर्शन कर रहे हैं, बड़ी स्क्रीन पे दर्शन कर रहे हैं और बड़े ठाट बाट से दर्शन उन्हें हो रहे हैं। जी बताएं क्या कहना है आपका। हम आए हैं दर्शन करने, आए हैं बोरा गणेश जी के। हाँ। अच्छे से दर्शन हो रहे हैं हमें, भीड़ भाड़ भी नहीं है, अच्छे दर्शन हो रहे हैं। हाँ। से अच्छे दर्शन हो रहे हैं। हम बोरा गणेश जी मंदिर के बाहर हैं और हमारे साथ में नारायण सेवा संस्थान के कैलाश जी मानव हैं। आप बताएं क्या मंगल कामना करना चाहेंगे कैलाश जी। बोरा गणेश जी भगवान की कृपा से ही सर्व कार्य सर्वदा सफल होते हैं। ये जो हेमेंद्र शिमाली साहब हमारे पुराने मित्र हैं और मैं बड़भागी हूँ कि गणेश भगवान, बोरा गणेश भगवान की कृपा से ही आपसी का मिलन हुआ है, दर्शन हुआ है। नारायण सेवा संस्थान जो भी कर रही है बोरा गणेश जी भगवान की कृपा से, गणेश भगवान की कृपा से कर रही है। जब शुभारंभ हुआ तो बोरा गणेश जी भगवान के चरणों में प्रणाम करके शुभारंभ किया गया, और जब पहली यात्रा दल निकला पूरे भारत में, सेवा यात्रा दल निकला, वो भी यहीं पर गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ा के, भगवान को प्रणाम करके, भजन गा करके यहीं से विदा हुए। तो जो जो भी कार्य हुए हैं वो गणेश भगवान की कृपा से हुए। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति बोले बोरा गणेश जी भगवान की जय। क्या कहना है आपका। सभी क्षेत्रवासियों को गणेश चतुर्थी जैसे पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश सबका मंगल करे। कोरोना जैसी महामारी का जो दुनिया में दौर चल रहा है उस सबसे सबकी रक्षा करे और हमें इतनी शक्ति दे कि हम अपने क्षेत्र का विकास पूर्ण रूप से करें। कोविड काल में मंदिर का परिसर का और सब कुछ गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए
अच्छे से व्यवस्था करके सिस्टमेटिक दर्शन कराए गए और कोविड का पूरा ध्यान रखा गया और सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे भी भगवान ऐसा हमेशा हमारे को मौका देता रहे, एक आशीर्वाद मिलता रहे। आप क्या कामना कर रहे हैं? मैं बस ये चाहती हूँ कि इस काल में कोविड काल में भगवान इनकी सबकी कृपा रहे और सब स्वस्थ हो जाए। क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप गणेश जी से? बस एक ही, सुख शांति बनी रहे और सभी का भला करके हमारा भी भला करें। अच्छा अच्छा, और बोरा गणेश जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बोरा गणेश जी के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आज दिन तक जो भी मांगा है ना यहाँ से वो मुझे मिला, इसलिए सबसे पहले आके दर्शन करके जा रही हूँ। घर में से अभी तक कोई नहीं आया। गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सोनल सिंघवी अरहम अकेडमी की फाउंडर, आज मैं आपको गणेश जी की कुछ विशेषताएं बताने वाली हूँ। गणेश जी की सबसे बड़ी विशेषता है उनके बड़े बड़े कान। उनके बड़े बड़े कान ये दर्शाते हैं कि आपको सबकी बात सुननी है। सबकी बात सुनना मतलब आप सबको सुन के ज्ञान वर्धित कर सकते हैं अपना। इसके अलावा उनका एक छोटा सा मुँह है, वो छोटा सा मुँह ये दर्शाता है कि आपको कम बोलना है। साथ ही साथ उनका एक बड़ा पेट है, ये बड़ा पेट ये दर्शाता है कि आप कोई भी चीज जो अंदर लेते हैं उसको आपको अच्छे से डाइजेस्ट करना है। अच्छी हो बुरी हो, जैसी भी चीज आपके अंदर आती है उसको आपको अच्छे से डाइजेस्ट करना है। गणेश जी का हर एक अंग कुछ ना कुछ दर्शाता है, उनकी अच्छाइयां अनगिनत हैं। आपको उनकी अच्छाइयां आज अपने अंदर ग्रहण करनी है। मैं वापस से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते एवरीवन, हैप्पी गणेश चतुर्थी। और इस गणेश चतुर्थी के उत्सव पे मैंने अपने इन हाथों से हमारे घर की गमले की मिट्टी से बनाए हैं बप्पा। और ये बप्पा बनाने का मेरा मकसद यही था कि हम हमारी प्रकृति को साफ रख सके। और बहुत खुशी होती है कि बच्चे इतनी सी छोटी सी उम्र में ये सोच पाते हैं कि वो प्रकृति को साफ रखें, नेचर को साफ रखें। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 2 साल से हम जिन कोरोना से जिस तरह से जूझ रहे थे और जूझ रहे हैं अभी भी, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे इसमें सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत खुशी होती है। और गणपति पापा से भी यही हम दुआ करेंगे कि वो हमारे पर आशीर्वाद रखें, सुख समृद्धि और सेहत का आशीर्वाद हमें दें जिससे हम सेहतमंद रहें हमेशा। एंड बोले गणपति पप्पा मोरिया। आज गणेश चतुर्थी है और चेतन जी सनाड्य हमारे साथ हैं। जी बताएं क्या कहना है गणेश चतुर्थी के अवसर पे? गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व है, राजस्थान निवासियों भारतवर्ष के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। उम्मीद करता है इस गणेश चतुर्थी पर सभी शांति और सौहार्द का वातावरण बनाएंगे और हमारे देश को अखंड बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर सेवा कार्य में आगे बढ़ते रहेंगे। आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मंगल कामना करते हैं गणेश जी से? वाह, तुम भी बताओ। बस कोविड वाली सिचुएशन ठीक हो जाए। हाँ, सब मंगल कामना कर रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल, आप बताएं प्रिंसिपल साहब। गणेश चतुर्थी भगवान जो है जिस तरह से सबके लिए सुख और समृद्धि लाते हैं वो है, उस तरह से प्रार्थना करता हूँ सबके लिए सुख समृद्धि लाए। आप बताओ। इस पावन पर्व पे सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पालाजी परिवार की तरफ से, सबके घर में ढेर सारी खुशियां। वाह, आप बताओ। प्रभु श्री गणेश सबको सुख समृद्धि बनाने। बहुत अच्छे शुभकामना मंगल कामना कर रहे हैं और नित नए सभी के आनंद गणेश जी करे, यही सभी की मंगल कामना। और वो यहाँ उदयपुर के लोगों को बहुत ही आस्था है, बहुत ही फेमस मंदिर है उदयपुर में अपने। और बोरा गणेश जी के, बोरा गणेश जी को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहले पैसे उधार देते थे और यहाँ सच्चे मन से कोई भी भक्त अपनी जो भी मनोकामना मांगता है उसकी प्रभु गजानन जी महाराज पूर्ण करते हैं। और सभी गजानन जी से हम सभी की यही प्रार्थना है कि पूरे भारतवर्ष को, पूरे वर्ल्ड को कोरोना से मुक्त करें और सभी तरफ खुशहाली जाए और अगले वर्ष हम अच्छी तरीके से धूमधाम से गणेश उत्सव मना सके, यही प्रभु से अरदास है। बोले श्री बोरा गणेश जी महाराज। और बाहर से ही क्या कर रहे हैं? बाहर से अंदर जाने देना।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुना है। हाँ, आज हम बेचने आए हैं यहाँ। हाँ, धंधा करने आए दो पैसों के लिए। बिक नहीं रही है आज। हाँ, सबके भंडार भर रहे हैं, देखो गणेश जी। हमारे भी थोड़े बहुत भी ले लो, दर्शन। हम ये कहना चाहते हैं गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, सब उम्मीद लगा के आए हैं और सब महामारी से बचे। दर्शन भगवान की चौखट पे तोक लगा, वही अपने है ना, आज सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश जी मंदिर पुजारी विनोद कुमार जोशी, तो बोरा गणेश जी के आशीर्वाद से हर तरफ कोरोना बीमारी यहाँ से दुनिया से चली जाए, हर तरफ खुशहाली हो। बोरा गणेश जी मंदिर की स्थापना 14वीं शताब्दी में महाराणा मोकल सिंह जी के द्वारा हुई और सूर्य की पहली किरण से 1,00,000 ऊपर हवन यज्ञ हुआ उस जमाने में, और उनके आशीर्वाद से बोरा गणेश जी की स्थापना हुई। उस समय यह चारों तरफ जंगल ही था और सिर्फ लोग बाग पैदल आते थे दर्शन करने और अपनी हर तरह की मनोकामना पूरी करते। पर मैं गत अभी 10 सालों से मैं गणपति महाराज से घर पे तो हम पूजा करते हैं, लेकिन मैं बोरा गणेश जी 10 सालों से जुड़ा और मैंने तो एक अनुभव किया, और मैंने तो क्या बताऊँ आपको, मैंने तो साक्षात्कार दर्शन किए। ये प्रसाद जो गणपति जी को विशेष प्रिय हैं, लड्डू गणपति जी को विशेष प्रिय होते हैं, और यहाँ पर जो दुकानें लगी हुई हैं, क्या कहना है आपका, इस बार किस तरह का आप देख रहे हैं माहौल? इस बार अभी थोड़ा थोड़ा है कोविड की वजह से, पहले जितने लोग तो अभी आए नहीं हैं। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा अभी चालू हुआ है वैसे। हाँ, भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी कोरोना समाप्त हो जाए। और सांस बहुत बढ़िया है सब जाते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भगवान के दर्शन सबको हो, और सबको होने चाहिए, लेकिन क्या करें, कोरोना की गाइडलाइन के कारण भक्तों के लिए दर्शन की ये ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, जिससे भक्त नाखुश होकर न जाए। और प्रसाद भी आप ऑनलाइन पहुंचा सकते हैं, जो कोई भी मांग करे या टेलीफोन करे तो यहाँ चढ़ा सकते हैं। चढ़ा सकते हैं, अच्छा अच्छा। कहना चाहते हैं गणपति के बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं और LED के ऊपर बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, भक्त आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। लाइव दर्शन हो रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं। मंगल कामना यही है कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो, और बोरा गणेश जी में जो भी दर्शन करने आ रहे हैं लाभार्थी, वो जो मंदिर ट्रस्ट ने जो LCD लगा रखी है गेट के बाहर, आराम से दर्शन हो रहे हैं और किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर विभिन्न मंदिरों में विभिन्न रूपों में गणेश जी को श्रृंगारित किया गया, वहां पूजन अर्चन किया गया और गणेश जी के आरती महाआरती की गई और लड्डुओं से गणेश जी को भोग भी धराया गया, विभिन्न रूपों में गणेश जी की स्तुति की गई और भक्तों ने खूब ठाट बाट से दर्शन किए। गणेश जी के कहना है, भक्त का दर्शन कर रहे हैं और मंगल कामना कर रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना महामारी का दौर चला है वो खत्म हो जाए। आप बताएं क्या प्रार्थना कर रहे हो गणेश जी से? गणेश जी से ये प्रार्थना कर रहे हैं जल्दी कोरोना खत्म हो जाए, डेंगू खत्म हो जाए, कोई बीमारी नहीं आए। मेरा नाम मोनिका है, मैं गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ कि कोरोना जल्दी चले जाए और ये साल अच्छा। बोरा गणेश जी मंदिर के बाहर ही बड़ी स्क्रीन लगा दी गई है और यहाँ पर जो भी भक्त आ रहे हैं वो दर्शन कर रहे हैं और प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये लाइव जो दर्शन हो रहे हैं बाहर बड़ी स्क्रीन पे, भक्त लोग आराम से दर्शन कर रहे हैं और गणपति जी का ये अभिषेक हो रहा है और इसके बाद श्रृंगार भी होगा।
सब भक्त यहाँ पे आ रहे हैं और खूब ठाट बाट से दर्शन कर रहे हैं और यही ऑनलाइन दर्शन भी हो रहे हैं। पहली बार ऐसी व्यवस्था आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर। आप क्या कहना चाहते हैं, आप बताओ क्या नाम है आपका? ममता। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? बस भगवान के लिए प्रसाद मांग। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं बोरा गणेश जी के बारे में? बोरा गणेश जी सबकी मनोकामना पूरी करें। अच्छा, करने आए। अच्छा, और बाहर से ही दर्शन करने पड़ रहे हैं? अच्छा अच्छा, श्रद्धा हो तो बाहर से भी भगवान की। हाँ, बहुत अच्छा। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया भैया, साफ सफाई है, और जो भी आ रहे हैं भक्त दर्शन करके आराम से जा रहे हैं, और उनकी जो भी भैया मनोकामना मंगल पूर्ण हो रही है। सवो नमो नमः गायत्री शिष्टुप जगत्या निष्टुप पंक्त्या सा प्रत्युषिणीया ओंकारोषिभिस्तुत्वारिपदाधातुस्पदा स्त्रीपदाधा जघन्पदा विछन्दाधाससन्दा शुचिभिस्तुत्वा सा स्तोमा सा छन्दसयामृता सा प्रमाया श्री स्वयं सुकृतिनामारे प्रलक्ष्मी पापात्मनां गदरिया प्रदय सबते श्रद्धा शतांकुलजनं प्रभव शलाजातं तं नतास्म परिपालय देवि विश्वां किं वर्णयाम तव रूपव चिन्तये रे सुरक्षय कारि भूरि किं चावे सुचरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देवसुरदेवगणादिकेषु हीरो समस्त जगदापि गुणापि दोषे ज्ञायसे हरिहर दिविराप्यपार सर्वासयां कलमिदं जगदाच भूतमव्यागाहि परमां प्रगतेष्वमाद्या यस्वस्यात्मसुरदासमुदीरणेन भक्ति प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवि स्वाहा शिवे विदघनशताब्दे दुरुचाय से देवजने सुदाच बोलो बोरा गणेश जी महाराज की जय।